इन दिस सेक्शन वी आर गोन टू डिस्कस द लिक्विडिटी प्रीमियम थेरी तो लिक्विडिटी प्रीमियम थेरी कह रही है कि जब हम डिसाइड दिसा, करते हैं कि हमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो वी कंसिडर दियल दैट वी एक्सपेक्ट फ्राम द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड इन डूइंग दैट वट वी डू इज वी ऑलवेज कंपेयर के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से जो यील्ड आएगा इट शुड बी इक्वलेंट टू द एवरेज ऑफ द शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की जो हील्ड हैं उसके साथ उसकी एवरेज को हम कंपेयर करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की हीड से सो द टू थिंग्स आर टेकन इन टू अकाउंट प्लस देर इज अनादर थर्ड थिंग विच इज स्पेसिफिकली हाईलाइटेड बाय द लिक्विडिटी प्रीमियम थेरी विच सेज के वेन यू आर इंटेंडिंग टू इन्वेस्ट इन अ लॉन्ग टर्म बॉन्ड तो एक तो आप कंपेयर कर रहे हो उसके हील्ड को एवरेज ऑफ द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के साथ में लेकिन उसके साथ ही आप एक लिक्विडिटी प्रीमियम भी डिमांड करते हो आप चाहते हैं कि चूँकि हम हमारे कैश को विदहोल्ड करने वाले हैं फॉर अ सर्टन लॉन्ग टाइम पीरियड फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी डिसाइड टू इन्वेस्ट इन आर ट्वेंटी ईयर मेचोरिटी बॉन्ड जो कि बीस साल के बाद या तीस साल के बाद मेचोर होने वाला है तो तीस साल तक मैं अपने कैश को इस्तेमाल नहीं कर सकती लिहाजा मैं क्या करूँगी लिक्विडिटी प्रीमियम थेरी एक्सप्लेन कर रही है कि फिर इन्वेस्टर क्या करता है वो कंसिडर करता है तीन बातें सबसे पहली बात वो ये कंसिडर करेगा कि तीस साल के लिए जब मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ थर्टी ईयर मेचोर 30 इयर्स के बाद मैं चोर होने वाले बॉन्ड में मैं पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो इसके ऊपर मुझे यील्ड कितना मिलेगा और इन पूरे 30 सालों में जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में लूँगा उससे जो मुझे यील्ड मिलेगी उसकी एवरेज को वो इस लॉन्ग टर्म बॉन्ड की यील्ड के साथ वो कंपेयर करता है और तीसरी अहम बात जो लिक्विडिटी प्रीमियम थेरी ने ही के एक फीचर है उस उसके अकॉर्डिंगली एक तीसरा अहम फैक्टर भी इन्वेस्टर्स कंसिडर करते हैं एंड दैट इज़ द लिक्विडिटी प्रीमियम का मतलब है कि अपने कैश से वो तीस साल तक के लिए जुदा होने वाले हैं उसको खर्च नहीं कर सकते तो अभी उसके लिए वो एक एक्स्ट्रा हायर कुछ इंटरेस्ट रेट डिमांड करते हैं या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें कंपनसेशन मिलेगा उस तीस साल अपने कैश से अलहदा रहने के लिए कि उसको खर्च नहीं कर सकते तो टुगेदर व्हेन वी लुक एट द

So we have a certain, we have a key assumption for this particular theory and that says that we can, we can take the long-term investment opportunities and the short-term investment opportunities as the substitutes of each other. So we discussed that our rational expectation was that जो डिफरेंट तरह के बॉन्ड्स हैं खाब वो 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 टर्म है या लॉन्ग टर्म है वो परफेक्ट सब्सिट्यूट्स होते हैं फिर हमने सेगमेंटेड मार्केट थेरी को डिस्कस किया जि, जिस जिसमें हमने कहा कि नहीं ऐसा कोई लेना देना नहीं है इनका दे के नॉट भी कंसिडर्ड एज सब्सिट्यूट्स बिकॉज जो इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट मार्केट कॉन्स्टिट्यूट करता है और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है इन्वेस्टर वो बिल्कुल ही डिफरेंट फैक्टर्स को कंसिडर करके डिफरेंट मार्केट कॉन्स्टिट्यूट करता है वेर एज हजबैंड वी लुक एट द लिक्विडिटी प्रीमियम थेरी It takes into account the short-term bonds and the long-term bonds key markets go as substitutes although they say that they are not perfect substitutes because there is this liquidity premium also a third factor introduced here just consider kata investor when they have to decide between investing in the short-term investment opportunities or the long-term investment opportunities so we can say that the two things can be considered the different. The bonds with different maturities can be considered as the substitutes of each other, but they cannot be considered as the perfect substitutes. Ke wo ek dusre ko replace kar sakte. There are certain features that are considered by the investor ke wo liquidity premium ko consider karta hai. Agar Liquidity premium uski desired jo se rate. Mein hua, expect hua, usse match karta hai, to only then they will be investing in the long-term bonds, otherwise, they will prefer.

and then we also see that according to the liquidity premium theory bonds of different maturities are can be considered as an alternative options but they cannot be considered as the perfect substitutes or teesri ek aur aham baat jo ye theory batati hai hame wo yehi hai investor hai kyunki wo risk averse hai isliye wo short term bonds prefer over long term bonds so if the if the कंपनी दैट इज सेलिंग और द गवर्नमेंट दैट इज सेलिंग लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स तो उनको ये कंसिडर करना पड़ेगा कि जब हम इसके टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइन करें कि इसके ऊपर आपको कितना हील्ड मिलेगा इसके ऊपर कितना आपको रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा तो दे विल हैव टू कंसिडर दिस एस्पेक्ट ऑल्सो कि वेन इन्वेस्टर्स हैजू डिसाइड वेदर टू इन्वेस्ट इन द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी और द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी

Decide k this is going to be the return which we are going to offer you if you invest in invest with us for like 20 years or 35 years or 40 years or for a longer time period so this is how we can explain this concept of liquidity premium theory